एक तरफ जहां बिहार में लगातार सक्षमता परीक्षा का नियोजित शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है दूसरी तरफ देखा जाए तो एक लाख बीस हजार से ऊपर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को देखते हुए फॉर्म फिलअप कर दिया है ऐसे में बड़ी अपडेट सामने निकल के आई जहां आपको हम बता रहे हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है इसको लेकर लगातार विरोधे जारी है नियोजित शिक्षकों के विरोध के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया है वहीं नियोजित शिक्षकों के एक जो है कहीं ना कहीं शीर्ष मंडल की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वार्ता भी होनी है जिसको लेकर हमने खबरें भी दिखाई है ऐसे में बता दें आपको कि बिहार के हजारों नियोजित शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर जहां एक और आंदोलन की राह पर है वहीं अब तक एक लाख बीस हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की ओर से शिक्षक क्षमता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख पंद्रह फरवरी तय की गई थी देखा जाए तो आज पंद्रह फरवरी है और इसको देखते हुए आज ही तक की तारीख तय की गई थी लेकिन अब जाकर तिथि को बढ़ा दिया गया है बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों की ओर से फॉर्म भरी गई है ऐसे में जिसके कारण अब फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर उन्नीस फरवरी कर दी गई है इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है ऐसे में बता दें आपको कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तिथि अब उन्नीस फरवरी तक विस्तृत की जाती है बताया गया है सक्षमता परीक्षा को लेकर अब तक काफी कम संख्या में शिक्षकों ने फॉर्म भरा है परीक्षा के विरोध में ज्यादातर शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है जिसके कारण शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह फैसला लिया गया है बिहार में परीक्षा के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन फिलहाल स्थगित हुआ है बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को आज पंद्रह फरवरी को शाम छह बजे मुलाकात करने के लिए बुलाया है देखा जाए तो शाम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सदस्य शिष्टमंडल की वार्ता होगी इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा शिक्षक एकता मंच के सदस्य अमित विक्रम ने कहा है कि सरकार की ओर से गठित समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर कहीं ना कहीं सेवा मुक्त कर देने की अनुशंसा की गई है इस अनुशंसा को निरस्त किया जाना चाहिए वहीं राज्यकर्मी बनने के बाद सभी नियोजित शिक्षकों की कहीं ना कहीं समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए एक न्यूनतम वृद्धि की गारंटी सबको की जानी चाहिए ऐसे में कई सारी मांगे हैं और जिसको लेकर आज सम्राट चौधरी से तमाम शिक्षक मंडल के जो सदस्यकर्ता हैं वो मुलाकात करेंगे तो तो वहीं तमाम इस संगतियों पर चर्चा कर कर निराकरण निकालने की बातें करेंगे तो फिलहाल एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है सक्षमता परीक्षा का दूसरी तरफ आज सम्राट चौधरी से मुलाकात होनी है और ऐसे में सक्षमता परीक्षा को देखते हुए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसको देखते हुए एक लाख बीस हजार नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भी भर दिया है तो फिलहाल चार लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों की बिहार में संख्या है, अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निराकरण नियोजक शिक्षकों को लेकर निकलता है ऐसे में नियोजक शिक्षक क्या कुछ करते हैं जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे और भी तमाम खबरों के लिए एनसी 24 के साथ बने रहिए इस वीडियो में तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लेलिस्ट को लाइक करें बहुत-बहुत धन्यवाद